गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हरे कृष्णा। टुडे इज आवर मैथ सब्जेक्ट पीरियड, सो टेक आउट योर न्यूमेरिकल स्किल्स बुक एंड शो द पेज नंबर 94। आज हमारा मैथ्स का पीरियड है, तो आप अपनी न्यूमेरिकल स्किल बुक में पेज नंबर 94 निकालिए। आज हम मैथ्स में नंबर अरेंज करना सीखेंगे। जो हमें कुछ नंबर्स के सेट दिए हुए हैं उनको स्मॉल टू बिग सीक्वेंस में अरेंज करना है। स्मॉल टू बिग यानी छोटे से बड़ा, छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ हमें नंबर्स को अरेंज करना है। अरेंज द नंबर्स फ्रॉम स्मॉल टू बिग इन ईच सेट। यहाँ देखिए, आपको कुछ नंबर्स के सेट दिए हुए हैं, उनको आपको छोटे नंबर से, स्मॉल नंबर से उनको बिग नंबर की तरफ अरेंज करना है। जैसे यहाँ देखिए, 8, 10, 1, 6, ठीक है। अब इनको आपको सबसे छोटे नंबर, इनमें आप देखिए सबसे फाइंड आउट कीजिए सबसे छोटा नंबर कौन सा है, सबसे स्मॉल नंबर, यस 1, तो 1 सबसे पहले आएगा। उससे बड़ा नंबर, यस 6, 1 से बड़ा है तो यहाँ 6 आएगा, उसके बाद 8 आएगा और लास्ट में नंबर 10, क्योंकि 10 नंबर जो है इन नंबर्स में सबसे बड़ा नंबर है। लेट्स सी इन कॉपी। यहाँ देखिए, समझिए, जिसे आपको ये नंबर्स दिए हुए हैं 2, 4, 1, 3, 5। अब आपको इनको अरेंज करना है स्मॉल टू बिग, यानी सबसे छोटे नंबर को आपको सबसे पहले रखना है, उससे बड़ा नंबर बाद में, उससे बड़ा नंबर और उससे बड़ा नंबर। तो ये बहुत इजी है, आप इजीली कर सकते हैं। जैसे हमने सबसे पहले लिखा 1, ठीक है, 1 नंबर सबसे पहले आ गया, सभी को पता है। जैसे मैंने यहाँ ब्लॉक बना दिए, अब आपको इन ब्लॉक्स में नंबर्स लिखना है स्मॉल टू बिग। इसे 1 सबसे पहले आता है, सबको पता है। 1 के बाद में क्या आता है, यस 2, देन 3, देन 4 और देन 5, ठीक है। अगर आपके पास जैसे कुछ सब, मान लीजिए आप 5 स्टूडेंट्स हैं, उनके पास, किसी के पास 2 चॉकलेट्स हैं, किसी के पास 4, 1, 3, 5, सबके पास ये चॉकलेट्स है, तो सबसे कम चॉकलेट्स किसके पास है, यानी ओनली 1 चॉकलेट, तो 1 चॉकलेट सबसे कम है, सबसे छोटा नंबर है, तो ये पहले आएगा। फिर जिस स्टूडेंट्स के पास 2 चॉकलेट्स है, यानी 1 से ज़्यादा 2 है, तो यहाँ 2 आएगा। 2 से ज़्यादा 3 चॉकलेट्स है, तो 3 नंबर यहाँ आएगा, और 3 से ज़्यादा 4 चॉकलेट्स है, तो 4 नंबर 3 से बड़ा हुआ, तो 4 नंबर यहाँ आएगा, और 5 नंबर है जो सबसे ज़्यादा है, 5 चॉकलेट सबसे ज़्यादा होती है, तो 5 नंबर सबसे बड़ा हुआ तो वो लास्ट में आएगा, ठीक है। ये आप बहुत इजीली कर सकते हैं। प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब 2 नंबर्स की डिजिट होती है, ओके। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल और बताती हूँ। अब जैसे यहाँ देखिए, यहाँ आपको नंबर्स दिए हुए 24, 21, 36, 38 एंड 9। तो अब आपको फाइंड आउट करना है सबसे छोटा नंबर कौन सा है, ठीक है। तो सभी को पता है 9 नंबर सबसे छोटा नंबर है, तो आप 9 को यहाँ लिख देंगे, ठीक है, और यहाँ से इसको कट कर दीजिए। अब आपके पास 4 नंबर्स है, अब आप कंफ्यूज हो रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है, तो आप क्या करेंगे, ये फर्स्ट डिजिट देखिए, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है। इन नंबर्स को अभी आप नहीं देखेंगे, आप केवल अभी इन्हीं नंबर्स को देखिए। तो अब 2 और 3 में से कौन सा नंबर बड़ा हुआ, यस 2 नंबर बड़ा है। अब इसमें भी 2 नंबर है और इसमें भी 2 नंबर है। अब हम क्या करेंगे, अभी आप इनको बिल्कुल नहीं देखेंगे, अब आप पहले देखेंगे कि हमें इनमें से जो छोटा नंबर है वो फाइंड आउट करना है, देखना है कि कौन सा नंबर छोटा है। अब इसमें भी 2 है, ये भी 2 है, तो सेम है। तो अब हम क्या करेंगे, ये नंबर देखेंगे 4 और 1। तो 4 और 1 में से छोटा नंबर कौन सा हुआ, यस 1 छोटा नंबर है, यानी 21 नंबर छोटा है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 21 लिख देंगे और यहाँ से इसे कट कर देंगे, यानी 2 नंबर हमने अरेंज कर दिए हैं, यहाँ लिख दिए हैं। अब 24 आएगा, क्योंकि ये 2 नंबर छोटे थे, लेकिन 4 और 1 को देखा तो 1 नंबर छोटा था, तो ये 21 पहले आ गया। अब देखिए, अब कौन सा नंबर आएगा, यस 24, हम यहाँ 24 लिख देंगे और इसे यहाँ से भी हम कट कर देंगे। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ है 36 और यहाँ है 38,
वैसे बहुत इजी है, 36 पहले आता है और 38 बाद में आता है, तो आप इजीली लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी आप कंफ्यूज हो रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, ये नंबर तो सेम है, अब आप देखेंगे 6 बड़ा है या नंबर 8, यस 6 नंबर बड़ा है 8 से, सॉरी 6 नंबर जो है 8 से छोटा है, 36 पहले आता है, 6 नंबर 8 से छोटा है, तो यहाँ हम पहले क्या लिखेंगे 36, बस यहाँ से कट कर देंगे। अब कौन सा नंबर पीछे बचा, यस 38 नंबर लेफ्ट, तो हम 38 को यहाँ लिख देंगे। तो इस तरह से ये हमने नंबर्स अरेंज किए। चलिए एक एग्जांपल और देखिए, यहाँ देखिए लिखा है 29, 11, 47, 33 एंड 50। अब इनको आपको अरेंज करना है, ठीक है। अब यहाँ जैसे मैंने सर्कल बना दिया, ठीक है, इनमें आपको नंबर्स को लिखना है सही सीक्वेंस में, स्मॉल टू बिग। तो आप वही प्रोसीजर जो मैंने आपको बताया है, सबसे पहले आप क्या देखेंगे, अगर आपको पता है कि 11 सबसे छोटा है तो आप लिख दीजिए, और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से आप ये फर्स्ट डिजिट, ये नंबर देखिए, पहली डिजिट देखिए कि इनमें जो 2-2 नंबर्स का सेट है, इनमें जैसे 29 है, 11, 47, 33, 50, इनमें ये पहला नंबर देखिए, सबसे छोटा नंबर कौन सा है, यस 1 नंबर, तो सबसे पहले आ जाएगा 11, इसे यहाँ से कट कर दीजिए। अब आप देखिए 11 तो आ गया है, अब 11 पे हमें ध्यान नहीं देना है, अब हमें देखना है 29, 47, 33, 50। तो इनमें फिर से फर्स्ट नंबर देखिए, कौन सा नंबर सबसे छोटा है, सबसे पहले कौन सा आता है, यस नंबर 2, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे 29, इसे यहाँ से कट कर दीजिए, तो आपको पता रहेगा कि नंबर हमने यहाँ लिख दिए हैं। यहाँ देखिए अब ये नंबर 3 नंबर्स का सेट है ना, 3 नंबर्स है, अब इनमें से आपको देखना है सबसे छोटा नंबर कौन सा है, अगेन हम देखेंगे 4, 3, 5, यस नंबर 3 सबसे छोटा है, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे 33, इसे यहाँ से कट कर दीजिए। अब इन दोनों नंबर्स में से देखिए छोटा नंबर कौन सा है, पहले कौन सा नंबर आता है, यस 5 से छोटा है नंबर 4, क्यों 4 पहले आता है ना, तो छोटा नंबर कौन सा हुआ, स्मॉल नंबर कौन सा हुआ, 47, इसे भी यहाँ से कट कर दीजिए, यानी ये नंबर आ गए। अब लास्ट में कौन सा नंबर बचा, 50, तो हम यहाँ लिख देंगे 50, 50। चलिए बुक पे देखिए, ये नंबर्स देखते हैं, ये ऑलरेडी सॉल्व हो चुके हैं, 41, 2, 15, 23। अब यहाँ सबसे छोटा नंबर 2 नंबर यहाँ लिखा है ऑलरेडी, अब हमें देखना है 41, 15, 23 में सबसे छोटा नंबर कौन सा है, तो हम इसमें पहले फर्स्ट वाला नंबर देखेंगे 4, 1, 2, तो 1 नंबर सबसे छोटा है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 1, 5, 15, यहाँ से कट कर दीजिए उसे। यहाँ देखिए 23, 41, 2, 3, 23, यहाँ से कट कर दीजिए इसे, तो अब कौन सा नंबर बचा, यस 41, ठीक है। अब ये आप अपने आप करेंगे, ओके, ये आज आपका होमवर्क है, और एक मैं वर्कशीट भी दूंगी, तो आप उसे सॉल्व करेंगे और उसे अच्छे से वीडियो देखिए और अच्छे से समझिए। नाउ आवर क्लास इज ओवर, हरे कृष्णा।